बिहार में कैसा होगा आपके शहर का हाल, क्या होगी बारिश या रहेगा सूखा। दिवाली के लिए हो गई है तैयारी, तो जान लीजिए मौसम का हाल। बिहार में दाना तूफान का असर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में ही ज्यादा देखने को मिला। अब तूफान का असर लगभग खत्म हो चुका है। वहीं आज के तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के आसपास होगा और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहेगा। आज दिवाली बनाने में बारिश रुकावट नहीं बनेगी क्योंकि आज मौसम सूखा रहेगा। बिहार के ज्यादातर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। वातावरण में हल्की ठंडक दस्तक दे चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कुहासा और शहरी इलाकों में धुंध देखने को मिल रही है। इसके अलावा आसमान में बादल का डेरा जमा रहेगा, जिससे दीपावली के मौके पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि ऐसी कोई संभावना अभी तक नहीं है। पटना स्थित मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार के सभी जिलों में घने बादल जबकि उत्तरी बिहार में हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। बीते 48 घंटे की बात करें तो राज्य के गया और बेगूसराय में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि ज्यादातर जिलों में सूखा ही रहा। सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री के आसपास बेगूसराय में दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम तापमान 20 डिग्री के आसपास मोतिहारी में दर्ज किया गया। फिलहाल के जारी पूर्ण अनुमान के अनुसार 2 नवंबर तक पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। इस वजह से तापमान में भी कमी आएगी और ठंडक में बढ़ोतरी आएगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक की माने तो बिहार में बूंदाबूंदी जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार के सभी जिलों में छठ के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। चक्रवर्ती तूफान के बाद आसमान में घने बादल देख किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। इन दिनों किसानों को ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है। अगर भारी बारिश होती है तो धान की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। दीपावली से पहले बिहार में मौसम अटखेलियां वाला बना हुआ है। दिन के समय बादलों का बसेरा और रात में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो रही है। पछुआ हवा के प्रवाह के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान गिरने के साथ ही अब रात में ठंड का एहसास होने लगा है। राज्य में बादलों का आना जाना लगा हुआ है और दीपावली तक ऐसा ही रहने का अनुमान है। ये सारी जानकारी मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है। आखिरी वक्त में इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। मौसम की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।